इनके लब रंगी मिठावर के जिसने मोहम्मद सादिक हैं अबू रोड से। इनका सवाल ये है कि हमारे घर का जो बाथरूम और टॉयलेट बनाए कम से कम जो रूम से ना 20 मीटर की दूरी पर खुले आसमान खुले मैदान की तरह है, और मेरी बीवी को बाहर यानी गुस्ल के लिए जाने में शर्म आती है, पर्दे का भी ख़ास अहतमाम का इशू रहता है, तो क्या घर के अंदर रूम में कोने में बाथरूम या पेशाब करने के लिए कॉमन स्पेस बनवा सकते हैं जहाँ दोनों काम किए जा सकें। और रूम के अगर बाथरूम टॉयलेट ज़्यादा दूरी पर है तो पहली बात अगर रूम आपका है, ज़मीन आपकी, तो इतनी दूर बनवाना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर वहाँ पर पर्दे का सही इंतज़ाम है नहीं है पर्दे का सही इंतज़ाम तो वहाँ पर्दे का सही इंतज़ाम किया जा सकता है, लेकिन टॉयलेट अगर घर से थोड़ा रूम से दूर है तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए वहाँ खुले आसमान के नीचे होना कोई मसला नहीं है, आप उसको टीन वगैरह से पाट सकते हैं उसको, ताकि खुले आसमान के नीचे ना हो। और इसी तरह पर्दे का अहतमाम नहीं है तो उसको सही करवा लें, दीवारें वगैरह गेट वगैरह लगवा के अच्छा सा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी आप रूम से बाहर या रूम के अंदर कोई ऐसा कॉर्नर, ख़ास तौर से रूम के बाहर कोई ऐसा कॉमन स्पेस बनवाना चाहते हैं कि जहाँ इमरजेंसी में जैसे सर्दी के मौसम में टॉयलेट की जा सके और उसको बाद में धो के साफ़ कर दिया जाए और फिर वहाँ पर गुसल वगैरह भी किया जा सके, तो ऐसा कॉमन स्पेस बनवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी जायज़ है। और बनवाने में घर के करीब हो, बस काबे वगैरह का ख्याल रखें कि रुख गौसल करते वक्त टॉयलेट करते वक्त काबे की तरफ ना हो। लेकिन फिर ये कि लैटिन वगैरह का मसला होगा तो फिर दूर जाना पड़ेगा, तो बेहतर ये है कि जो जगह आपने बताई कि इशू वहाँ रहता है पर्दे का, तो उस जो दिक्कत है उसको दूर कर लिया जाए, टीन वगैरह डलवा के या गेट का इंतज़ाम करके अच्छा कर लिया जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर वहाँ वाकई यूज़ लेस है, कोई फ़ायदा नहीं इतनी दूर बनवाने का, तो उसको तुड़वा के घर के थोड़ा कमरे के करीब में लाया जाए और इस अंदाज से बनवाया जाए जहाँ पर ये सब पर्दे के मसाइल या दूर किसी को जाते हुए शर्म वाली कोई बात ना हो, कि बंदा घर से निकले 5-10 कदम चले और वापस बाथरूम के अंदर गुसल कर ले, और वहाँ पर्दे गेट वगैरह का इंतज़ाम प्रॉपर कर लेना चाहिए। बाकी अगर कोई ऐसा कॉमन एरिया बनवाना चाहते हैं तो कॉमन एरिया बनवाएंगे तो उसके अंदर भी चारों तरफ की दीवारें छत वगैरह पूरा प्रॉपर करवाएंगे, तभी उसके अंदर गुसल हो सकता है, तो वही काम पुराने वाले गुसल खाने में करा लें, उसको तुड़वा के करीब ले आएँ। फिर भी अगर बनाना चाहें कि घर के करीब में यानी रूम के करीब में कोई ऐसा कॉमन स्पेस बनवाएं कि जहाँ पे इमरजेंसी में सिर्फ पेशाब करा जा सके, यानी ऐसे फ़र्श नुमा कोई चीज़ कि फिर बाद में उसको धो के साफ़ करके वहाँ गुसल भी किया जा सकते, तो इसको कर सकते हैं। क्योंकि टॉयलेट शीट तो फिर आप ज़ाहिर है कि वहाँ नहीं डालेंगे, अगर टॉयलेट शीट डालेंगे तो फिर गुसल तो तब भी हो जाएगा लेकिन फिर थोड़ा मसला रहेगा वहाँ पर लेटरिन वगैरह के लिए। लेकिन ये सवाल सही है कि टॉयलेट के लिए भी बार बार दूर जाना पड़ता है, रात में दिन में सर्दी वगैरह होती है, तो ऐसे में अगर करीब लाना चाहते हैं कि इमरजेंसी में तो ठीक है करीब ले आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पत्थर